बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मिल्क, 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून ऑयल। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले पैन में हम बटर डालेंगे, साथ ही हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे ताकि बटर हमारा जले नहीं और हम इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाए तो हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करके हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। हाथ हम तेज़ी से चलाएंगे ताकि ये जले नहीं और ये भुन जाए अच्छी तरह और यमी यमी इसकी स्मेल बड़ी यमी यमी सी आने लग जाएगी। वन से टू मिनट ओनली इसे हम भूनेंगे, फिर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। वन से टू मिनट इसे हो चुके थे, हमने दूध ऐड कर दिया। अब हम साथ साथ इसमें मुसलसल इसको चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इसमें 1/2 टीस्पून हम सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गार्लिक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करके इन्हें बॉईल होने तक, इनके थोड़ा सा थिक होने तक हम यूं ही पकाएंगे। जब तक ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, वाइट सॉस थिक होना शुरू हो गई है। बस हमें 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और फिर हम डिश आउट करते हैं। अगर आप गार्लिक टेस्ट नहीं पसंद करते तो आप वो ना डालें, और अगर उसकी जगह आप मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। देखें, ये हमारी रेडी है, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कुछ लोग गार्लिक टेस्ट पसंद करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग नहीं करते, वो लोग ना ऐड करें लहसुन जी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।